उपस्थित सिंजे पावर्स परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों को सीएमडी आशीष सिसोदिया की तरफ से बहुत बहुत अभिवादन। आप सभी लोग कंपनी के इस मिशन विजन में आज ऐतिहासिक पलों को शेयर करने के लिए शामिल हैं। सिंजे पावर्स ने ऐसे बहुत से काम किए हैं जिनका इतिहास हमारे पास उपलब्ध है। हम लोगों ने ना कि 24 घंटे लगातार टेलीग्राम मीटिंग का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि 5 दिन और 5 रात लगातार टेलीग्राम मीटिंग करके भी एक कीर्तिमान कायम किया है। सिंजे पावर्स ने देश में सबसे ज़्यादा सेमिनार्स करने का, फिजिकल सेमिनार करने का कीर्तिमान कायम किया है और बहुत कम समय में देश में सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा करने के लिए भी हमें इंटरनेशनल एक्सेलेंस बुक अवार्ड में शामिल किया गया है। क्योंकि इसके पूर्व भी कंपनी पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने प्रेरणा स्रोत नेटवर्किंग क्षेत्र में अग्रणी लोगों के माध्यम से कीर्तिमान कायम कर चुकी है। 238 सेमिनार हम पहले कर चुके थे, इस बार उसके 2 गुना का लक्ष्य रखा गया है। इस समय इस सेमिनार्स को आयोजित करने के केवल 2 रीजन हैं। पहला रीजन यह है कि जो मार्केट में एक लोगों में वाइब्रेशन पैदा किया जा रहा है कि सिंजे पावर्स डाउन हो गई है, सिंजे पावर्स का काम कम हो गया है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो 238 सेमिनार कंपनी ने किए थे तो वो 238 से घट के नहीं बल्कि डबल होकर आ रहे हैं। कंपनी अपनी कम्युनिटी, अपनी विश्वसनीयता को पूर्ण बहुमत के साथ हासिल करने में सफल रही है। आज लगभग 650 के ऊपर सेमिनार पूरे देश में हो रहे हैं। एक्चुअल डाटा 5 बजे तक हम लोगों के पास मुहैया होगा। हमारा सभी जो भी लोग सिंजे पावर्स की मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सेमिनार ही करे। 10 व्यक्ति या 10 अच्छे नेटवर्कर या 10 अच्छे लीडर मिलकर भी एक सेमिनार कर रहे होंगे। कंपनी आपकी उस संख्या को देखना चाहती है कि पब्लिक के बीच में आपकी अपनी कैपेसिटी क्या है। सिंजे पावर्स .1 और SPC क्वाइन, इन दोनों चीज़ों में आपकी जो ज्वाइनिंग आएंगी, आज 29 तारीख है, 29, 30 और 31 रात 12 बजे तक की ज्वाइनिंग काउंट होंगी। तो जो आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होंगी, उन डायरेक्ट ज्वाइनिंग का चार्ट बनेगा। आपने सिंजे पावर्स 1 में कितनी ID लगाई हैं और SPC क्वाइन में कितनी ID लगाई हैं, उनका एक चार्ट बनेगा। चार्ट बनने के बाद स्लैब बनेगा। इस बार केवल 2 ही पदों का सृजन किया गया है, एक ब्रांड एम्बेसडर और एक फाउंडर डायरेक्टर। केवल 2 ही लोग इसमें होंगे, बाकी सभी पदों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि कंपनी ने 3182 लोगों को कोर कमेटी में शामिल किया और 3182 लोग जो कोर कमेटी का हिस्सा बने, उसमें से 5-700 लोग ही मीटिंग में आ रहे थे, बाकी 5-700 नेटवर्कर आ रहे थे। तो कंपनी ने क्योंकि कमिटमेंट किया था कि हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे, लेकिन जब कंपनी ने देखा कि लोगों के पास मीटिंग में आने का समय नहीं है, तो जो आदमी जो मोबाइल दूर रख करके हम मीटिंग सुन सकते हैं, जब आदमी उसमें शामिल होने के लिए उसके पास समय नहीं है, तो वो फिजिकल मीटिंग लोगों को प्लान करने, समझाने, लोगों को नई ज्ञान योजना से जोड़ने के लिए उसके पास कहाँ से समय होगा। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि जो डीएक्टिवेट कोर कमेटी मेंबर्स हैं और जो एक्टिव कोर कमेटी मेंबर्स हैं, पहले उसमें इनको फिल्टर किया जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि मीटिंग केवल कोर कमेटी मेंबर्स ही करें, जो नए नेटवर्कर हैं, फ्रेश नेटवर्कर हैं, जो कल ज्वाइन नेटवर्कर हैं, वो भी अपने करियर अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मीटिंग का आयोजन कर सकते हैं। मीटिंग के आयोजन के संबंध में पूर्व में भी अवगत करा दिया गया है कि इस बार मीटिंग के जो आयोजक हैं उन्हीं लोगों को कोर कमेटी में लिया जाएगा। क्योंकि जब 600 लोग कोर कमेटी की बैठक में, टेलीग्राम की मीटिंग में आते हैं और 2500-2700 लोग नहीं आते हैं,
तो अगर इन 25-2700 जो डीएक्टिवेट लोग हैं इनको कंपनी कोई सुविधा व्यवस्था देगी तो ना कि कंपनी ख़त्म हो जाएगी बल्कि जो लोग पॉजिटिव हैं उनको भी निगेटिव बना लेगी। इसलिए कंपनी ने निर्णय लिया कि जो एक्टिव लोग हैं उनको हम फिल्टर करें और फिल्टर कर करके उन लोगों को सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं कंपनी उपलब्ध कराए। इस क्रम में आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। हम चूँकि sinjaypowers.com को पहले प्रमोट कर चुके हैं और इस बार sinjaypowers.1 और SPC कॉइन को प्रमोट करेंगे। sinjaypowers.com देश में ऐतिहासिक कंपनी बनेगी। उसकी सभी तैयारियां जो कंपनी ने अपने लेवल पर अभी हिडन रखी हैं, क्योंकि हमारे नेटवर्करों में एक अच्छी बात यह है कि वो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पकड़ लेते हैं, इसलिए कंपनी अभी उसमें अपना कुछ भी पत्ता खोलना नहीं चाहती है। हम लोग परसों ICO से बाहर आ गए थे, अपना एक्सचेंज लॉन्च किया था, लेकिन चूंकि टेलीग्राम मीटिंग में पहले लोगों से टारगेट पूछ लिया गया था और लोगों ने बताया था कि हम लगभग इतनी ID sinjaypowers.com में लगाएंगे और इतने SPC कॉइन परचेस करेंगे, कंपनी ने ये सोचा कि वो टारगेट हमें ज़रूर मिले और उससे ज़्यादा का टारगेट मिले, इसके लिए हमें वही रेट बनाए रखना है, जबकि एक्सचेंज पे हम लगभग $11 पे आ रहे थे। तो ये हुआ कि मीटिंग होने तक हम ICO को दोबारा बहाल करेंगे, इसलिए आप ICO से परचेजिंग कर सकते हैं कॉइन की और ट्रस्ट वॉलेट पे स्टे कर सकते हैं। 2 तारीख को हमारा एक्सचेंज, 1 तारीख को हमारा एक्सचेंज लाइव होगा जो $11 से $13 के बीच में होगा, और अब आप स्टेकिंग, विड्रॉल, डिपॉजिट सब कुछ एक्सचेंज से ही, परचेजिंग वहीं से कर सकेंगे। ICO को क्लोज कर दिया जाएगा। ये केवल आपकी सुविधा व्यवस्था कि लोगों को ID बहुत महंगी ना पड़े और लोग ठीक ठाक पैसा कमा सकें, जनरेट कर सकें, इसलिए इस निर्णय को कंपनी द्वारा लिया गया है। तो आप सभी लोग इस निर्णय का लाभ उठाइए और आपके पास 3 दिन समय है, कोई भी व्यक्ति शेष ना बचे। ये जो लोग मीटिंग कर रहे हैं यही लोग आने वाले समय में sinjaypowers का भविष्य तय करेंगे। इनका जब 31 का टारगेट पूरा होगा तो 1 को कंपनी लिस्ट गजट करेगी, क्योंकि 1 को एक्सचेंज भी लॉन्च होगा और 3 तारीख को हम क्राउड फंडिंग की PDF को लॉन्च करेंगे। क्राउड फंडिंग में 2-3 संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन यह है कि जो बूस्टर इनकम आपको एक्टिवेशन में जाती थी वो अब अवेलेबल फंड में आएगी। दूसरा संशोधन था कि जो विड्रॉल के लिए नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करना जरूरी था उस अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, आप केवल 2 ID लगा करके ही पूरा विड्रॉल ले सकते हैं, अपग्रेडेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा परिवर्तन ये किया गया है कि अब ऑटो पूल आपको डेली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 23%, ताकि लोग ऑटो पूल का इंतजार ना करें। लेकिन ऑटो पूल डेली आएगा ये तय है, लेकिन बूस्टर की टाइमिंग कंपनी तय नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम 100% API विड्रॉल कर रहे हैं, 24 आवर विड्रॉल कर रहे हैं, तो बूस्टर कम्युनिटी आने पर ही टूटता है। तो बूस्टर को लेकर के ये चीज़ स्मरण रहे कि बूस्टर तभी आएगा जब आप बूस्टर लगाओगे, जब बूस्टर नहीं लगाओगे तो बूस्टर नहीं आएगा। तो बूस्टर में किसी भी प्रकार की सुविधा या असुविधा के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं है। बूस्टर में भी मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स भरने पर ही बूस्टर आएगा, उसके लिए कंपनी की खुद की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। आपको बूस्टर 24 घंटे में भी आ सकता है और 24 महीने में भी आ सकता है, ये चीज़ पहले जान लें और सामने वाले को जिसको ज्वाइन कर रहे हैं उसको बता दें पूरी बात। यूटिलिटी सर्विसेज भी हमारी 1 तारीख को एक्सचेंज के साथ ही, 3 तारीख को क्राउड फंडिंग के साथ ही लॉन्च हो जाएगी। अब आप क्राउड फंडिंग के साथ जो आपको क्राउड फंडिंग में डॉलर मिलेगा उससे आप SPC कॉइन भी खरीद सकते हैं, मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं, हमारे एक्सचेंज पर आकर के कोई भी करेंसी परचेज कर सकते हैं, मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, किसी भी तरीके का डिश रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, और अपने बिजली के बिल को भी हमारे डॉलर से डिपॉजिट कर सकते हैं। शेष जो 27 यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो कंपनी के स्थापना दिवस 17 नवंबर को किया जाएगा। कंपनी वो तैयारी महाराष्ट्र मुंबई में करना चाहती थी, पहले से लोगों को अवगत भी कराया गया था, लेकिन अभी उसमें संशोधन किया गया है। ये 400 लोगों की या 500 लोगों की, 700 लोग जो मीटिंग करके आ रहे हैं, इनकी कमेटी की बैठक होगी और ये जो स्थान निर्धारित करेंगे वहाँ पर
इस यूटिलिटी सर्विसेज को स्थापना दिवस मनाया जाएगा और यूटिलिटी सर्विसेज को लॉन्च किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि सिंजे पावर्स डॉट वन में जो सुधार हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं और वहाँ लोग 100% विड्रॉल 24 आवर पहले से कर रहे हैं और जो लोग वहाँ जुड़े हुए हैं वो पूर्ण संतुष्ट हैं। spc.com में भी अब आप 24 घंटे विड्रॉल के लिए वो अवेलेबल है और पर डे आपकी जो इनकम हो रही है ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। मेरा एक सुझाव है जो SPC कॉइन में लोग स्टैक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 100% जो भी कॉइन परचेज हो रहा है वो 100% स्टैक ही हो रहा है, तो स्टैकिंग से जो आपको इनकम मिलती है, क्योंकि स्टैकिंग में हम 14 महीने में आपका मूलधन और आपका लाभांश दोनों एक साथ 400 किस्तों में आपको भुगतान कर दे रहे हैं। आज हमारे कॉइन की वैल्यू $11 है या $5 है, लेकिन साल भर बाद हम 4000 5000 होंगे, 2000 होंगे, 3000 होंगे, जैसा ट्रेड या वैल्यू हमारी जनरेट होगी। उस समय आपको लगेगा कि यार हम तो छोटा छोटा पार्ट लेके विड्रॉल कर रहे थे, खर्च कर रहे थे, और हमने साल भर में जब हमारी हैसियत कई हज़ार गुना बढ़ सकती थी हमने अपने सारे कॉइन ख़त्म कर लिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी बड़ा निवेश ही करे, कुछ लोग 1000 2000 500 लगाने वाले भी होंगे और कंपनी सबके हितों के लिए काम कर रही है, बल्कि विशेष करके उन व्यक्तियों के हितों के लिए काम कर रही है जो दूसरी कंपनियों में काम करके घाटे का शिकार हुए हैं, कर्ज का शिकार हुए हैं, बहुत सारी इमेज डैमेज हुई है, उनके पास SPC कॉइन से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। तो जो भी आपको स्टैकिंग से इनकम मिले उसको आप कम से कम तीन पार्ट में करें। तीन पार्ट में करने का प्रयोजन सिर्फ इतना है कि एक पार्ट आप अपने खर्चे में, अपने यूज में, अपने परिवार को, समाज की व्यवस्थाओं को देखने के लिए खर्च करें, एक पार्ट आप स्टैकिंग में ले जाएं। क्योंकि स्टैकिंग में जब आप एक पार्ट ले जाएंगे तो जो स्टैकिंग मूल आपकी ख़त्म हो रही है तो उस स्टैकिंग की लिमिट आपकी बची रहेगी। आप स्टैक करते जाएंगे तो आपका कंपनी से रिलेशन हमेशा बना रहेगा, आपको पर डे उस स्टैकिंग का कुछ ना कुछ मिला करेगा, क्योंकि मूल स्टैकिंग तो आप डेली विड्रॉल करके ख़त्म कर रहे हैं। और जो तीसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा आप अपने खर्चे में ले जाएंगे, दूसरा हिस्सा स्टैकिंग में ले जाएंगे और तीसरा हिस्सा आपको ट्रेडिंग में ले जाना है। उसको ट्रेड करके धीरे 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 अपने एक्सचेंज पे ही अपनी वॉल्यूम को बढ़ाइए और एक ऐसा समय आएगा कि जो आपको स्टैकिंग से फंड मिल रहा होगा उससे ज़्यादा आपको ट्रेडिंग से भी अर्निंग होके एक वहाँ बल्क फंड कलेक्शन हो जाएगा। तो जो समझदार लीडर्स हैं वो अपने विड्रॉल को तीन पार्ट में करेंगे और जो गड्ढे में हैं, परेशान हैं, उनके लिए विड्रॉल को सेल करके कर्ज चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन फिर भी बचत जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमेशा एक जैसा बिजनेस नहीं निकलता है, हमेशा एक जैसा एनवायरनमेंट नहीं होता है, कभी ठंडी होती है तो कभी बरसात होता है, हम कहीं जाना भी चाहते हैं तो मौसम देख करके ये होता है कि अब कल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इस समय सीजन है, न बरसात है न धूप है और बहुत अच्छा बिजनेस आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं और अपने सभी सपनों को आप लोग पूरा कर सकते हैं। तो SPC कॉइन दुनिया का सबसे बड़ा कॉइन बनने के लिए मार्केट में है। हमारे पास जो भी 14 चीज़ें हैं, हमारा अपना कॉइन मार्केट कैप है, हमारी अपनी ब्लॉकचेन है, हमारा अपना कॉइन है, हमारा अपना ट्रस्ट वॉलेट है, हमारा अपना स्वैप है, हमारा अपना कन्वर्टर है, हमारा अपनी एक्सचेंज है, बहुत सारी चीज़ें, 14 नई चीज़ें हैं। ज़िंदगी में पहली बार आपने दो चीज़ें देखी होंगी सिंजे पावर्स में। किसी भी कॉइन की आपने एक वेबसाइट देखी होगी, सिंजे पावर्स की 14 वेबसाइट है, हमने 14 चीज़ें एक साथ लॉन्च की हैं। और दूसरा, ICU में कभी किसी कॉइन का 30,000 कॉइन है या टोकन है उसमें किसी का स्वैप आपने ऑपरेट होते नहीं देखा होगा। क्योंकि हम लोगों का विजन मिशन एकदम क्लियर है, पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी से काम करते हैं, तो जो पैसा आपका है वो आपका है, आप एनी टाइम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंजे पावर एक्सचेंज 1 तारीख से लॉन्च होगा और SPC.1 उसका PDF 3 तारीख को आएगा। थोड़ा सा गैप करके इन चीज़ों को इसलिए लॉन्च कर रहे हैं कि पिछली बार हम लोगों से यही गलती हुई कि हम लोग सब कुछ एक साथ ले आए, तो लोगों को प्लान को समझने का, आज भी मैं दावा कर सकता हूँ हमारे लाखों लोग पूरे देश से जुड़े हुए हैं, लगभग 56,213 लोग कनेक्टेड हैं इस समय, तो इनमें केवल 56 लोग ही ऐसे हैं जो कंपनी के दोनों प्लान्स को कर सकते हैं। क्योंकि आपने कभी ये समझने का प्रयास ही नहीं किया कि कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का विजन मिशन क्या है।
जो लीडर्स टेलीग्राम मीटिंग में आते हैं वो मोटिवेट हैं, जो नहीं आते हैं वो डीमोटिवेट हैं। जिनकी टीमें टेलीग्राम मीटिंग में आती हैं वो फुल्ली मोटिवेट हैं, जिनकी टीमें नहीं आती हैं वो मोटिवेट नहीं हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं लगातार लोगों से, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस की जो आत्मा होती है वो टेलीग्राम में होती है। यद्यपि टेलीग्राम मीटिंग में आज के बाद से एक सुधार होगा, बल्कि हो सकता है अभी 2 दिन हमें और लगे, क्योंकि 2 दिन हमारा टारगेट अचीवमेंट रहेगा। परसों रात 12 बजे तक सभी लोग इस मीटिंग का टारगेट पूरा करेंगे। 1 तारीख को कंपनी के हर स्टेट में, सभी 36 स्टेट में ब्रांड एम्बेसडर मिल जाएंगे 1 को, और 1 को ही सभी जोन में फाउंडर डायरेक्टर भी मिल जाएंगे। तो अब जो शेयरिंग होगी वो 45 मिनट टेक्निकल सेशन चलेगा, 50 मिनट प्लान चलेगा, 50 मिनट टेक्निकल सेशन चलेगा और 50 मिनट आपको ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। इसमें जो लास्ट का 20 मिनट हम बचाएंगे वो सिर्फ सभी ब्रांड एम्बेसडर्स अपने अपने स्टेट की एक एक मिनट की रिपोर्टिंग देंगे कि आज उनके स्टेट्स में किस सेक्टर्स में कितनी आईडी लगी, सिर्फ इतनी। शेयरिंग का पार्ट पूरी तरह से बंद किया जाएगा और हम पर डे पूरे देश के हर स्टेट का रिजल्ट और रिस्पांस जान पाएंगे। क्योंकि क्राउड फंडिंग में आज के तारीख में सिंजय पावर्स देश की सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ लाखों युवाओं को और देश आउट ऑफ कंट्री लगभग 72 देशों में ये कंपनी सफलतापूर्वक काम कर रही है। जो लोग काम कर रहे हैं वो पूर्ण संतुष्ट हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं उन्हें कंपनी से पूरी आशा है कि उनके हित में भी कंपनी बहुत सारे फैसले बहुत सारे निर्णय लेंगे। असंतुष्ट वो हैं जिन्होंने आईडी यहाँ लगा रखी है, काम दूसरी जगह कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी मार्केट में मिले कि सर मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और जब उनसे आईडी नंबर पूछा गया तो आईडी नंबर बता नहीं पाए, क्योंकि नुकसान उनका नहीं हुआ, उन्होंने कंपनी में एक भी पैसा नहीं लगाया था। उनको दुख हुआ इस बात का कि कंपनी आगे क्यों बढ़ रही है, लेकिन अपना दर्द उन्होंने दूसरे शब्दों में बयान किया। वो ये नहीं कह सकते कि हम कंपनी के डेवलपमेंट से काफ़ी हद प्रभ हैं, बल्कि उनका कहना यह है कि कंपनी सही से मार्केट में काम नहीं कर पा रही है। पूरे देश की ये सिंगल कंपनी है जिसमें सब कुछ फ्रंट पे आकर के सारा काम किया जाता है। फिजिकल मीटिंग सेमिनार होते हैं, टेलीग्राम मीटिंग में CMD अपनी शेयरिंग देता है, आप सभी लोगों के टेलीफोन से भी वार्ताएं होती हैं, और बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके जरिए कंपनी आपसे आप सबसे जुड़ी हुई है। अन्य कंपनियों में आपके पास केवल ईमेल का विकल्प होता है, और मैं दावा कर सकता हूँ कोई भी कितना बड़ा ब्रांड हो, आप मेल डाल के देखिए 3-3 दिन कोई रिस्पांस नहीं होता, और कभी तो किसी भी दिन कोई रिस्पांस नहीं होता है। तो ऐसा पहली बार है जब कंपनी ने ना कि फिजिकल दौड़ भाग करके पूरे देश में अपना नेटवर्क स्थापित किया, बल्कि पूरे देश में कोर कमेटियाँ बना करके लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया, लोगों को सम्मान दिया। हमारे बहुत सारे नेटवर्कर जो इस कंपनी से जुड़ करके असीम धन पैदा कर चुके हैं, अच्छा पैसा पैदा कर चुके हैं, गाड़ी ले चुके हैं और भी अपने लाइफ के अचीवमेंट को बीट कर चुके हैं, हमारी तरफ से कंपनी के 11 महीना पूरा होने पर उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि वो अपने डाउनलाइन के लिए प्रेरणा स्रोत बने, और जो भी आदमी काम नहीं कर रहा है ये सीनियर का दायित्व है कि एक बार उसको बुला करके बैठ करके ये पूछे कि आपके एक्टिव ना होने के पीछे रीजन क्या है, और अगर उस रीजन का निस्तारण वो नहीं कर पा रहा है तो कम से कम कंपनी CMD का अपॉइंटमेंट ले करके एक बार बैठ लीजिए। जो भी असुविधा होंगी, क्योंकि कंपनी 100% डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, कंपनी अपने पास कुछ भी नहीं रख रही है, बल्कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी ने 160% का डिस्ट्रीब्यूशन कर डाला। तो हम लोग कहीं पैसा कमाने या बचाने नहीं आए हैं, हम काम सिर्फ आपके व्यवस्थाओं के लिए, आपकी सुख सुविधाओं के लिए, आपके जीवन स्तर को बदलने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं कोई समस्या है, तो उस पर निश्चित ही हम लोग बैठेंगे, और जब कंपनी आपकी है, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, तो दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका निस्तारण संभव नहीं है। आप देश की किसी भी कंपनी में चले जाएंगे,
केवल सिंधे पावर से एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको फिजिकल सभी प्रोडक्ट मिलेंगे और कुछ बहुत ही बड़ी सुविधाएं। कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, कंपनी अपने एटीएम्स लॉन्च करने जा रही है, कंपनी अपने मोबाइल लॉन्च करने जा रही है और कंपनी हज़ारों की संख्या में एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, ऑर्नामेंट्स, ये सारे वैरायटीज़ को लॉन्च करने जा रही है। अब लोग ये कहेंगे कि ये 15 दिन से एक महीने से बताया जा रहा है, प्रोडक्ट कंपनी ला क्यों नहीं रही है। एक्चुअल में जो दो साइडें हैं जिन पे हम 100% विड्रॉल 24 आवर कर रहे हैं, उसमें जो शुरुआती दौर में कमियां थी उनको सही करके नई पीडीएफ को अपडेट कराया जा रहा है। 1 तारीख को एक्सचेंज अपडेट हो जाएगा तो हम एसपीसी कॉइन को लेके आजीवन बेफिक्र हो जाएंगे और 3 तारीख को ये पीडीएफ आ जाएगा तो लगभग 5 तारीख तक सभी लोग एसपीसी वन से सिंजे पावर्स डॉट वन से 24 आवर विड्रॉल का लाभ लेंगे तो वहाँ दोनों जगह हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम sinjepowers.com पे काम शुरू करेंगे। sinjepowers.com में कंपनी ने बहुत सारे लोगों को कार फंड दिया था, उन्होंने कार फंड नहीं लिया है, वो सारे कार फंड कंपनी तत्काल प्रभाव से वापस ले लेगी। बहुत सारे लोगों को स्कूटी फंड दिया गया था, उन्होंने स्कूटी फंड नहीं लिया है, वो सारे स्कूटी फंड वापस ले लेगी। इसके अलावा जो लोग दूसरी कंपनियों में काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनियों के उनके ऑडियो वीडियो आ रहे हैं, उन पर भी कंपनी कार्रवाई करते हुए उनके निवेशित राशि को जो उन्होंने निवेश कर रखा है, अगर निवेशित राशि उनकी रिकवर हो गई होगी तो उनकी आईडी को तत्काल कंपनी ब्लॉक कर देगी क्योंकि वो लोग कंपनी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जो बड़े लीडर्स हैं, 2-4 ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिनके पास 40-50 हज़ार डॉलर का भी ऑप्शन है, उनके विड्रॉल को कंपनी एक महीने के लिए रोकेगी। अब जब ये सारे रिवार्ड के जो लोगों के पास हैं उनको माइनस करेगी और बड़े वालों को रोक लेगी तो हमारे पास एक लेवल तक ही विड्रॉल लोगों के पेंडिंग हों, उनको कंपनी प्रोडक्ट के साथ भी जोड़ेगी और कुछ लेवल पर विड्रॉल भी खोलेगी और प्रयास करेगी कि 10 से 15 दिन में लोगों के अपने खुद के विड्रॉल क्लियर हो सकें, ताकि जो डाउन लाइन से फ़ोन आते हैं लोगों को कि हमारा पैसा रुका हुआ है, हमारा ऑटो पुल नहीं आ रहा है। और चूँकि ऑटो पुल sinjepowers.com में भी अपग्रेडेशन ख़त्म कर दिया गया है और नेक्स्ट लेवल का जो हमको लगाना पड़ता था अपग्रेडेशन विड्रॉल के लिए उसको ख़त्म कर दिया गया है, वहाँ भी डेली ऑटो पुल कर दिया गया है और 25 गुने की सर्विसेज वहाँ भी कर दी गई हैं। यद्यपि ये योजना उन पर लागू नहीं होगी जो पहले 25 गुना पा चुके हैं, क्योंकि जब कोई भी योजना तब से प्रभावी होती है जब से वो लागू की जाती है, तो पूर्व के लोगों का इसमें काउंटिंग नहीं किया जाएगा। जो लोग कंपनी को लेके बहुत सकारात्मक नहीं रहते हैं, ये वो लोग हैं जिनके कंपनी में सारे पूल आ चुके हैं और पैसा बना चुके हैं, तो उनके पास शायद कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। वो दूसरी कंपनी में जाएंगे भी तो हमारे लिए ये बेहतर होगा कि जो यहाँ से कमाया होगा वो जब 2-4 महीने में उस कंपनी का शटर बंद होगा तो वहाँ अपना जमा करके फिर से वापस सिंजे पावर्स में आएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी हमारी कामना है। क्योंकि हज़ारों नेटवर्करों को हमने देखा है कि वो सिंजे पावर्स में भाग गए थे लेकिन एसपीसी कॉइन में आकर के पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। तो कोई बाध्यता नहीं है, आप कंपनी के किसी भी साइड पर काम कर सकते हैं, पूरी तरह से जिम्मेदारी ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे, किसी का भी एक पैसा कहीं भी डूबेगा नहीं। हमारा जो विजन मिशन है, ट्रेनिंग्स के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस चला करके हम लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ट्रेडिंग की जानकारी देंगे, आने वाले भविष्य में क्रिप्टो का क्या उपयोग है, क्रिप्टो में भारत की क्या स्थिति है। एक बात और क्लियर करना चाहेंगे, क्रिप्टो सुनकर के भारत में बहुत सारे लोग हैं जो निगेटिव हो जाते हैं कि साहब ये तो वैलिड नहीं है। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा उस समय क्रिप्टो नहीं था, संविधान में इसका जिक्र नहीं है और भारत सरकार ने क्रिप्टो को लेकर अब तक कोई कानून नहीं बनाया। केवल एक स्टेटमेंट है वित्त मंत्री का कि क्रिप्टो इज ए एसेट। अगर आपके पास क्रिप्टो है, क्रिप्टो अनलीगल इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट ही एक्सचेंज का लाइसेंस देती है और गवर्नमेंट ही हम लोगों से TDS लेती है, GST लेती है, तो क्रिप्टो एसेट है। अगर क्रिप्टो आपके पास है तो उसका विवरण आप अपने आयकर में दीजिए और उस पर टैक्स अदा करिए। कंपनी को आपके खरीद और बिक्री से टैक्स चाहिए सरकार को, उसको लीगल और अनलीगल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी इंडिया की 11 करोड़ कम्युनिटी
इस समय क्रिप्टो में ट्रेड कर रही है, तो देश के 11% लोग गलत नहीं हो सकते। यहाँ तक कि RBI भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रही है। RBI भी भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसको गलत नहीं कहा जा सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में, रक्षा सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार होने जा रहे हैं। और जैसे हमें बहुत पहले TV आया, फिर मोबाइल आया, फिर इंटरनेट आया, अब आने वाला समय ब्लॉकचेन का है, सैटेलाइट का है, ब्लॉकचेन का है, ये आने वाली चीज़ें हैं। तो हम उसमें पहले से जागरूक हो सकें, पहले से जान सकें कि हमारा अपना क्या रोल है, हमारा अपना क्या भविष्य है, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सिंजे पावर्स कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी। सिंजे पावर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, सिंजे पावर्स एक ट्रेनिंग सेशन पार्ट की कंपनी है। हम हाई स्कूल इंटर BSc MSc पढ़ते हैं, फीस जमा करते हैं, जब हमें रिजल्ट मिलता है तो उसके बाद अगर हम जाएं कि हमारा फीस वापस कर दीजिए तो कोई भी वापस नहीं करता है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जो पैसा आता है वो विद इन सेकेंड 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कंपनी अपने पास कुछ भी नहीं रखती है, कंपनी की आय सिर्फ विड्रॉल पर निर्भर है। अगर आप विड्रॉल करेंगे तो कंपनी को कुछ परसेंटेज मिलता है, अगर आप विड्रॉल नहीं करेंगे, P2P करेंगे, तो आप अपना पूरा पैसा कई गुना करके निकाल लेंगे और कंपनी को उसमें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि हम मेहनत करते हैं, हमने स्टाफ लगा रखा है, ऑफिस लगा रखा है, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुनते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, तो हमें भी एक पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। हम भी जो मीटिंग कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सेशन कराते हैं, जिन कंपनियों से प्लान्स करवाते हैं, तो वहाँ भी हमें चार्जेस देने पड़ते हैं। तो कंपनी कोई RDFD नहीं करती है, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसीलिए कंपनी के साइड पे ये बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि आपके निवेश की किसी भी प्रकार की कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप यहाँ अपने पूर्ण होशो हवास से ही निवेश करें, क्योंकि आपके निवेश की किसी भी प्रकार की कोई वापसी नहीं है। ये चीज़ कंपनी की वेबसाइट खोलते ही साइड पे पहले लिखा हुआ है। आप जब इस चीज़ को सबमिट करोगे कि मुझे ये मंजूर है, तभी आपकी ID लगती है। उसके बाद भी जब लोगों को फ्री नॉन वर्किंग ऑटो पूल आने में देरी होती है तो लोग अपलाइन को बताते हैं कि हम आगे कोर्ट कचहरी थाना पुलिस करेंगे, तो वो ये पहले जान लें कि वो पहले रिटर्न फॉर्मेट में दे चुके होते हैं। तो जब हम कोई कंसाइनमेंट कर चुके होते हैं, कोई कमिटमेंट कर चुके होते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि हम उसका पालन करें। अनुबंध का मतलब यही होता है। और उससे कहीं भी, क्योंकि जब कोई क्लेम करता है, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, तो हमने CDR भिजवाया कि सर ये कंडीशन है, इस पर इन्होंने ज्वाइन किया था, तो वो चीज़ें वहीं निरस्त हो गई, क्योंकि आप एक टाई अप करके ही कंपनी के साथ आ पाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अगर 2,250 रुपया लगा रहे हैं तो क्लासेस में और शाम को जो टेलीग्राम मीटिंग चलती है उसमें ज़रूर आएँ, कंपनी के विजन मिशन को समझें, और जब आप 2,200 लगा के 4,400 कमा लें तभी आगे 10 पैसा लगाने के बारे में विचार करें। एकदम से बड़ा पैसा लगा देना, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, देश विविधताओं का देश है, कोई हमसे पूछ के ऑनलाइन काम है, कोई हमसे पूछ के कुछ नहीं लगाता है, लेकिन अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वो संपर्क हमसे ही करता है। तो हमें चाहेंगे कि आप लोग छोटा छोटा निवेश करें, सीखने पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आप हमारे ट्रेनिंग सेशन से, ट्रेनिंग पार्ट से कुछ सीखते हैं, हमारे ज्ञान से आपको कोई ज्ञान मिलता है, तो उस पैसे की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अब चूंकि जो आज का सेशन है 31 तारीख की रात 12 बजे तक इसकी वैलिडिटी रखी गई है, मीटिंग का आयोजन करने वाला प्लस मीटिंग में सभी शामिल सदस्यों के अलग अलग क्वाइंस जो sinjepowers.com/1 में लगेंगे और सिंजे पावर्स एक्सचेंज पे लगेंगे, ज्वाइनिंग होगी, उनको काउंट करके ही उसका चार्ट बनाया जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर और फाउंडर डायरेक्टर की घोषणा 1 तारीख को कर दी जाएगी, और एक नंबर अभी मीटिंग के बाद या शाम तक ग्रुप पे प्रकाशित होगा। जो भी लोग मीटिंग कर रहे हैं वो उस नंबर पे अपने मीटिंग का कम से कम 2 फोटोग्राफ्स और मीटिंग की जगह का नाम और मीटिंग आयोजक का नाम लिख करके उस पर व्हाट्सअप करेंगे। मीटिंग आयोजक का नाम, मीटिंग की जगह और केवल 2 फोटोग्राफ, तीसरा फोटोग्राफ नहीं चाहिए, ताकि उससे पता चले कि आपकी कम्युनिटी कितनी थी। इसका विवरण भेजेंगे ताकि कंपनी के पास पहले से डाटा आ जाए। और 31 को फिर से आपसे चार्ट मांगा जाएगा रात 12 बजे के बाद कि आपने कितने
SPC 1 में कितनी ज्वाइनिंग आई हैं आपकी डायरेक्ट, और कितनी आपके क्वाइन में आपने स्टैक कराए हैं, उस डाटा के आधार पर पहली तारीख को चार्ट तैयार किया जाएगा। इस बार जो भी लोग स्कोर कमेटी का हिस्सा बनेंगे उन्हें जो तयशुदा सुविधाएं कंपनी को देना है, उसके अलावा कुछ अतिरिक्त विशेष व्यवस्थाएं देने की तैयारी कंपनी ने कर ली है। तो आप सभी लोग अपने करियर के लिए इसका लाभ जरूर लें। यूटिलिटी सर्विस पहली तारीख को लॉन्च होंगी, वो आपको जानकारी हो गई 2 तारीख को। कंपनी 1 तारीख से अपना ICU बंद करेगी, और जो भी लीडर्स हमारे कंपनी अपने सभी फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, लेकिन उनको लॉन्च करने में समय नहीं लग रहा है, समय लग रहा है जो पहले 2 चीज़ें नई लाई गई हैं उनको सेटल करने में। उसके तत्काल बाद हम अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और sinjepowers.com पे विड्राल खोलेंगे। और sinjepowers.com पे प्रोडक्ट लॉन्च होने और विड्राल खोलने के लिए 5 से 10 अक्टूबर के बीच का समय निर्धारित किया गया है, 5 से 10 नवंबर के बीच का, क्योंकि 5 तारीख तक हम अपने इन दोनों वेंचर को पूरी तरह से डेवलप कर चुके होंगे और लोग यहाँ पूरी तरह से काम करते हुए काम शुरू कर चुके होंगे। तो उन दोनों सिस्टम्स को लेके हम पूरी तरह से बेफिक्र होंगे और sinjepowers.com में 5 से 10 के बीच में एक प्रोडक्ट ऐड करके और विकल्प विड्रॉल का भी विकल्प दिया जाएगा। चीज़ों को कैसे क्लियर करेंगे वो हम बता चुके हैं कि रिवार्ड जिन लोगों ने कंपनी ने भेजा है नहीं लिए हैं उनके डॉलर माइनस होंगे, और जो बड़े 10-5 लोग हैं उनका विड्रॉल अभी 1 महीना रोका जाएगा। बीच के सभी लोगों को विड्रॉल करा करके उनकी परेशानियों को ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि हमारे जो असली योद्धा हैं, जो हमारी कैपिटल हैं, जिन्होंने साल भर कंपनी के सुख दुख में कंपनी का साथ दिया है, कहीं ना कहीं कंपनी से भी त्रुटियाँ हुई होंगी, नो डाउट। कम्युनिटी बड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर तक नहीं पहुँचती हैं, और ऐसा भी नहीं कि हम लोग किसी चीज़ से अनजान हैं, लेकिन कंपनी चलाने के लिए कभी कभी कुछ कड़वे निर्णय लेने पड़ते हैं। तो कंपनी ने बेशक निर्णय लिया होगा, लेकिन कभी भी किसी का एक भी पैसे का नुकसान कंपनी नहीं होने देगी। एक एक आपकी जो भी परिश्रम से कमाई हुई पूंजी है और जो भी कंपनी का कमिटमेंट्स है, उस समय समय पर कंपनी उसका निस्तारण करेगी। हम चाहेंगे कि पूरे देश में एक भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसने अपने आस और उम्मीद के साथ कंपनी को ज्वाइन किया हो और वो कंपनी से संतुष्ट ना रहे। आप सबको भी थोड़ा सा कंपनी के साथ खड़ा होना है। आप कोई ज्वाइनिंग नहीं लगा सकते, मत लगाइए। कोई सेमिनार नहीं कर सकते, मत लगाइए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप टेलीग्राम मीटिंग का हिस्सा बने, केवल 1 महीने आप हिस्सा बने। उसके बाद आप देखिए, कंपनी के सामने दिक्कतें ये हैं कि जब हमें क्वाइन बांटना था तो 3800 लोग थे, आज हमें क्वाइन नहीं बांटना है तो 1200 लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि 1200 और 3800 के बीच के जो 2000 लोग थे, 2500 लोग थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसी दुनिया में हैं, लेकिन अब वो कंपनी के साथ नहीं है। रीज़न ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी ने ना उनका खेत ले लिया, ना उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली है, सिर्फ वो एक लालच में वहाँ आए थे। वो कंपनी के साथ पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं है, और कंपनी से यही गलतियाँ हुई। कंपनी ने जब भी कोर कमेटी का टारगेट दिया, हमारे लीडरों ने अपने टारगेट को महत्व देते हुए उसका पैसा लगवा करके 25-60 ID लगवा दी, और वो आदमी वहीं धराशायी हो गया। अगर वो 25 में 5 नेटवर्कर भी डाल देता तो उसकी टीम से उसको अच्छा पैसा मिलना शुरू हो जाता। तो आप सभी लोग किसी को अपग्रेशन कराने की गलती ना करें। बहुत छोटे निवेश से अगर कोई 2500 लगा रहा है तो उसको पहले 25000 कमाने दीजिए, उसके बाद उससे आगे बात करिए, और पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से आप लोग काम करिए। जो डाउनलाइन के डॉलर चुराते हैं या डाउनलाइन को कॉपरेट नहीं करते हैं, ये सारी आदतें छोड़ दीजिए। आगे बढ़ना है तो पूरी तरह से निश्चल मन से ही आगे बढ़ा जा सकता है, और sinjepowers देश का सबसे बड़ा, सहारा इंडिया के बाद इस देश का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा परिवार है। आप सभी इस परिवार का हिस्सा हैं। सभी मीटिंग आयोजकों को इस बार आई कार्ड के साथ जो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, उसके बाद दूसरी कंपनियां इनका अनुसरण करेंगी कि sinjepowers में अगर आप कोर कमेटी का हिस्सा बन गए हैं तो सरकारी नौकरी से भी कहीं ज़्यादा सुविधाएं ये कंपनी प्रदान करने की तैयारी में है। तो नेटवर्किंग का देश का पहला ऐसा कंपनी है, पहली ऐसी कंपनी है जिसमें आप क्राउड फंडिंग में भी ID लगा सकते हैं,
क्वाइन में भी आईडी लगा सकते हैं और प्रोडक्ट में भी आईडी लगा सकते हैं। सिंजे पावर्स shopee.com करके ऐप लॉन्च हो रहा है, सिंजे पावर्स शॉपी करके, वहाँ आप प्रोडक्ट में भी आईडी लगा सकते हैं। और इस बार कंपनी बहुत यूनिक प्रोडक्ट ला रही है जो दूसरी कंपनियों के पास नहीं है, और कंपनी नए सेक्टर्स में भी एंट्री करने जा रही है जिसमें ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, रियल इस्टेट जैसे और टेली कम्युनिकेशन जैसे डिपार्टमेंट हैं, जिसमें कंपनी बहुत बैंकिंग को भी कंपनी टारगेट कर रही है। कंपनी अपनी गाड़ियों की लॉन्चिंग भी नवंबर महीने में ही कर देगी। और हम लोगों ने जो स्कूटी बनाया है अभी उसका पीडीएफ नहीं डाला है क्योंकि फिर लोग काम ना करके उसी पर फोकस करने लगेंगे। देश में किसी भी कंपनी ने ऐसी स्कूटी, ऐसी बाइक्स लॉन्च नहीं की है, बल्कि हमने फोर व्हीलर भी बनाया है इलेक्ट्रॉनिक्स, थ्री सीटर इन फोर व्हील्स। दुनिया में कोई कंपनी चार पहिया में तीन सीटर कार नहीं बना पाई, वो हमने बनाया है, वो भी लगभग 20 तारीख तक लॉन्च हो जाएगी और 10 तारीख के आसपास सिंजे पावर्स की स्कूटी पूरे इंडियन मार्केट में दौड़ने लगेगी। कंपनी अपना डीलर नेटवर्क तैयार कर रही है। हमारी स्कूटी में बैक गियर की सुविधा है, ब्लूटूथ की सुविधा है, फ़ोन चार्जिंग की सुविधा है, सेंट्रल लॉकिंग की सुविधा है, डबल हॉर्न की व्यवस्था है, स्कूटी में GPRS की व्यवस्था है और बहुत सारी इमरजेंसी बटन दिया गया है कि अगर आपकी स्कूटी पंचर हो गई, इंजन ख़राब हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई, तब भी आप 8 किलोमीटर तक इमरजेंसी बटन दबा करके जा सकते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं तो दुनिया की किसी कंपनी ने आज तक प्रोवाइड नहीं की। सिंजे पावर्स ने अपने स्कूटी में 6 कलर में 6 मॉडलों में स्कूटी लॉन्च हो रही है और 2 मॉडलों में बाइक स्पोर्ट्स लॉन्च हो रही है, और इसके लॉन्चिंग के ठीक 20 दिन बाद कंपनी अपने फोर व्हीलर्स भी लॉन्च करेगी। तो ये सारी तैयारी हमारी चल रही है। गुजरात में वापी में कंपनी ने अपना प्लांट स्थापित किया है, तो ये सारी तैयारी कंपनी की हो गई है। कंपनी केवल क्वाइन सेगमेंट में नहीं रहेगी, कंपनी अपना शॉपिंग मॉल भी लाएगी, कंपनी अपने ATMs भी लॉन्च करेगी, कंपनी अपना मोबाइल भी लाएगी, कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काम करने जा रही है, और कंपनी बैंकिंग सेक्टर में अगर किसी को कोई लोन चाहिए या खुद हमारी अपनी गाड़ी हमें फाइनेंस करना है महिंद्रा की तरह, तो हम कर सकेंगे। ये सारे सेगमेंट्स रेडी हैं, लाइसेंसिंग रेडी है, कंपनी धीरे धीरे करके नए साल आने के पूर्व इन सभी सेगमेंट्स में एंट्री कर जाएगी। तो आप सभी लोग जो सिंजे पावर्स परिवार का हिस्सा हैं, पूरी तन्मयता के साथ यहाँ स्थापित रहिए। जो भी लोग आज इस मीटिंग में शामिल हैं, मैं उनके सुरक्षित भविष्य की गारंटी देता हूँ। आप सिंजे पावर्स के साथ बने रहिए, सिर्फ मीटिंग में आइए, बाकी सारी चीज़ें मैं संभाल लूँगा, आप एकदम बेफिक्र रहें। कंपनी सब कुछ डेली डिस्ट्रीब्यूट करने के मूड में आ गई है। हम चाहते हैं कि हम सिंजे पावर्स को देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा करोड़पति डेवलप करने वाली कंपनी के रूप में स्थापित करें। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज जो 600 के ऊपर 650 के ऊपर सेमिनार्स हो रहे हैं, ये देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है, देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम ऐसे लोगों के बीच में अपनी बात रख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग टेक्निकल नहीं हैं तो वो बहुत सारी जगहों पर जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको लेके कहीं से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो बना के डाल देंगे, आप उसको बाद में देख सुन सकते हैं। अब आपको मीटिंग करने के बाद, प्लान करने के बाद पूरी ताकत लगा करके, एक चीज़ और अंतिम सुझाव, जो लोग जहाँ भी मीटिंग कर रहे हैं वहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उनसे ये अपील करें कि वो हर व्यक्ति कम से कम एक पोस्ट 10-10, 20-20 लोगों को टैग करके वहाँ के सेमिनार्स का जरूर डालें। इससे हम सोशल मीडिया पे पूरी तरह से हावी हो जाएंगे और कंपनी अपने प्रमोशन के लिए कुछ यूट्यूबर्स को एक्वायर करने जा रही है, जिससे हम पूरी तरह से मार्केट में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। हमारे बड़े लीडर्स जिन्होंने कंपनी के शुरुआती दौर में कंपनी के साथ बहुत अच्छा संघर्ष किया, हम उनके विशेष आभारी हैं। कहीं उनसे त्रुटियां हुई होंगी, कहीं हमसे त्रुटियां हुई होंगी, उसको बैठ के समझने की ज़रूरत है। परिवार में, परिवार को चलाने में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो कभी समय समय पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्रबंधन नहीं हो पाता है, लेकिन परिवार है तो समस्याएं होंगी, लेकिन परिवार है तो उसका निस्तारण भी होगा। तो सभी लीडर्स, वो चाहे नए हों, चाहे पुराने हों, फ्रेशर्स हों या बड़े रैंक पर रहे हों, उनका सबका स्वागत है, सबका सम्मान है।
हम सभी को मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाना है और आप सभी के सपनों को पूरा करना है, भारत के आर्थिक परिदृश्य में बदलाव करना है और भारत में एक नई आर्थिक क्रांति लानी है। आप सभी का इस मीटिंग में उपस्थिति के लिए, इस मीटिंग के सभी आयोजकों को, सेमिनार्स कर रहे सभी भावी लीडर्स को, भविष्य में आने वाले कोर कमेटी के दिग्गजों को मैं आशीष सिसोदिया बार बार अभिवादन, बहुत बहुत आभार आप सभी का मेरी तरफ से। आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से मीटिंग करें और 72 घंटे का समय आज का कल का और परसों का आपके पास है। परसों रात 12 बजे तक आप मैक्सिमम लोगों के साथ कनेक्ट होकर के इस कंपनी को अनंत ऊंचाइयों तक ले जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशीष सिसोदिया CMD आप सभी का वंदन अभिनंदन। जय हिंद, जय सिंह, जय भारत।